दोस्तों राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता का फैसला है कि अगर आपका बैंक अकाउंट हैक करके हैकर यदि पैसे चुरा लेता है तो इसके जिम्मेदार ग्राहक न होके बैंक होगा यदि इसमें आपकी कोई लापरवाही न है। तो जैसे सपोज मुझे कोई लिंक वगैरह विजिट करता है या मैं किसी को अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह है वो शेयर कर देता हूँ जिसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट है वो हैक हो जाता है, इसका जिम्मेदार है वो मैं हूँ। यदि मैंने किसी को बैंक की डिटेल नहीं दी है और फिर भी मेरा बैंक अकाउंट है वो यदि कोई हैक करके पैसे चुरा लेता है तो इसका जिम्मेदार पूरा पूरा है वो बैंक होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रहे, अपने अकाउंट को सिक्योर रखें और हैकिंग से बचें। और आपको कोई भी ऐसे अन्य एक्टिविटी है वो अपने मोबाइल के अंदर नहीं करनी है, आप जितना जानते हो उतनी ही छेड़खानी करनी है। ऐसे नहीं कि आपको कोई अदर कोई इस टाइप का लिंक सेंड कर दे और आपको उसको ओपन कर लो जिसके आपके डिवाइस हैक हो जाए और आपकी सारी बैंक की डिटेल वगैरह वो लीक हो जाए। तो इनसे थोड़ा है वो सेफ रखें और अपनी OTP है वो किसी के साथ शेयर न करें, खास करके बैंक की। तो यदि आपका अकाउंट ऐसे ही आपकी बिना गलती के हैक हो जाता है तो इसका जिम्मेदार है वो आप बिल्कुल नहीं हो, इसका पूरा पूरा जिम्मेदार है वो बैंक वाले हैं। तो आपके पैसे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। ऐसी घटना अभी भी हुई एक, जो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो ये घटना होने के बाद में भी जो लास्ट का जो फैसला था वो सारा का सारा बैंक का जिम्मेदार रहा इसके अंदर। तो कोई भी हैकर्स आपके पैसे चुरा लेता है उसमें आपकी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं है तो उसका पूरा पूरा जिम्मेदार है वो बैंक होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।